फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे रिलेटेड टू लीनियर एन्कोडेड इक्वेशन, सो वो टॉपिक पूरा हो गया। सो आज हमारा न्यू लेक्चर है, टुडेस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, फंक्शन एंड रिलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है एनटी टेस्ट, स्पेशली आईवे सखर जो टेस्ट लेती है एनटी टेस्ट, एनटीएच में, एसटीएच भी, उस टेस्ट में इनके क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ठीक है, वो मैं कहता हूँ कि ये आप वीडियो लास्ट तक देखें और इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि फंक्शन एंड रिलेशन क्या होता है और फंक्शन एंड रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिलेशन। रिलेशन किसे कहते हैं? इट इज द सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। रिलेशन का मतलब ये होता है कि ये जो है ना सेट होता है किसका, इनपुट्स एंड आउटपुट्स का। इनपुट एंड आउटपुट आप जाते हैं, अगर हम इनपुट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि y इक्वल x स्क्वायर है, अगर मैं x जो है ना 1 पुट कर रहा हूं तो y मुझे मिल रहा है, मींस जो हम इनपुट कर रहे हैं वो आउटपुट मिल रहा है, तो वो रिलेशन है। ओके, सो मैंने एक और डेफिनेशन भी लिखी है कि रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। रिलेशन हम ऑर्डर पेयर्स को भी कहते हैं, कोई भी सेट है उनके ऑर्डर पेयर्स हैं, हम उसको भी रिलेशन कह सकते हैं। कैसे, देखें, ये जैसे मैंने लिखा है ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। ओके, अब बात आती है कि जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंक्शन देखें, फिर मैं डिफरेंस आपको समझाता हूँ। ओके, सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रिलेशन फॉर ईच इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट। फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम एक इनपुट दें तो हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, अगर हम एक इनपुट दें तो हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। कैसे, देखें, मैंने लिखा है y is equal to x square। अब देखें, यहाँ पे अगर मैं x 1 पुट कर रहा हूँ तो y हमें क्या मिल रहा है, 1। अगर मैं x is equal to 2 पुट कर रहा हूँ तो y हमें क्या मिल रहा है, 4। अगर x is equal to 3 पुट कर रहा हूँ तो y मुझे क्या मिल रहा है, 9। देखें, मैं इनपुट जो दे रहा हूँ मैं 1, तो आउटपुट मुझे डिफरेंस मिल रहा है। देखें, एक ही आउटपुट मिल रहा है। एक ही आउटपुट होने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही। ओके, डिफरेंस मुझे वैल्यू मिल रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है। अब जो फंक्शंस है वो रिप्रेजेंट किया जाता है f of x से। ओके, और फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट जिसने दिया था वो साइंटिस्ट का नाम था लेबनिज, जिसने फंक्शंस के बारे में बताया था। अब देखें, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर आपको ये रिलेशन मिला हुआ है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है, देखें, फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। फर्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। एंड सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। जो सेकंड कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर के, हम उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ओके, सो आज सो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फंक्शंस एंड रिलेशन में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है। आप ये सुना होगा कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, और हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। इसका क्या मतलब है, देखें, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने कहा y is equal to x square। ओके, अब देखें, x is equal to मैंने 1 पुट किया तो हमारे पास y is equal to 1 मिला। अगर x is equal to मैंने 2 पुट किया तो y मुझे क्या मिला, 4। अगर मैंने x is equal to 3 पुट करूं तो y मुझे क्या मिलेगा, 9। तो देखें, हम इसको क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं और रिलेशन भी, क्योंकि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो होती है ना वो रिलेशन की टाइप होती है, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब ये कैसे, देखें, अगर मैं यहां पे लिखूं y is equal to plus minus under radical x। ओके, अब मैं x की वैल्यू पुट करूं, x is equal to 1, देन y is equal to क्या होगा, plus minus under radical 1, देन y is equal to हमारे पास आएगा plus minus 1। अब देखिए यहाँ पे के y की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2, एक प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1। अब फंक्शंस में ऐसा ना होना चाहिए। फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, कि अगर हम एक इनपुट दें तो हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम x is equal to 1 पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो 2 आ रही है। तो हम इसको जो है ना रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन फंक्शन नहीं कह सकते हैं। क्यों, फंक्शंस में एक बात याद रखें कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दो दो वैल्यू मिल रही है, तो इसको हम फंक्शंस नहीं कहेंगे, इसको आप रिलेशन कहेंगे। ओके, सो ये था आज का कॉन्सेप्ट फंक्शंस एंड रिलेशन का। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।